हेलो दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो दोस्तों, कार्य करने वाले कौन कौन है? एक तो ए है और एक बी है। तो ये क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर, यानी कि ए प्लस में बी, ये दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। और बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर देता है? 20 दिन में। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा? टोटल वर्क होगा। तो 15 और 20 का एलसीएम आएगा दोस्तों 60। अब क्या करेंगे, इस 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ए और बी के द्वारा किया गया एक दिन का कार्य आ जाएगा, यह है 4। और इस 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बी द्वारा किया गया एक दिन का कार्य आ जाएगा। तो अब क्या कर रहा है, ए और बी मिलकर एक दिन में 4 कार्य करते हैं, बी अकेला एक दिन में 3 कार्य करता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा? देखो, बी तो 3 कार्य करता है और ए और बी मिलकर 4 कार्य करते, यानी कि इसमें 3 कार्य तो बी के हैं और ए का कितना है? 1। तो ए एक दिन में कितना कार्य करता है? ए एक दिन में कार्य करता है में कार्य एक कार्य करेगा, तो 60 कार्य कितने दिन में करेगा? तो 60 कार्य करेगा दोस्तों 60 गुणा में 1 इक्वल टू 60 दिन में। यही क्या हमारा आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इसी तरह की शॉर्ट ट्रिक वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके।